आज के वीडियो के एंड में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग एंड एक्साइटिंग सी चीज शेयर करने वाली हूँ, उन सभी लोगों के साथ जिनके बाल व्हाइट हैं, ग्रे हैं, परेशान हैं, कलर करना चाहते हैं, डार्कर शेड चाहते हैं। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड में जो मैं बताने वाली हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। People out there, welcome back to the channel. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और संडे जम के एंजॉय कर रहे हैं। I am back with all of you with yet another episode of Review रविवार with प्रीति प्रेरणा, जहां पर मैं आप लोगों के साथ अपने ओपिनियन एंड रिव्यू शेयर करने वाली हूँ अबाउट सर्टन पॉपुलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिनके बारे में आप बहुत ही अनबायस्ड, अनस्पॉन्सर्ड एंड एब्सोल्यूट ट्रू इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों के साथ वेदिक्स के बारे में यू नो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, व्हाट आर माय रिव्यूज अबाउट इट। इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट तो आप लोगों को मेरा पिछला एपिसोड जाकर डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। आज जिस प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो एक शैम्पू है। आप सभी मेरे चैनल पे थ्रू आउट ऑलमोस्ट पॉसिबली हर वीडियो पे पूछते हैं कि कौन सा शैम्पू अच्छा होता है। आई वुड इंसिस्ट कि आप ये वाला जो वीडियो है ये डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, जहां पर मैंने आपको समझाया है कि शैम्पूज एक्चुअल में होते क्या है। ये आपका डैंड्रफ क्योर नहीं करते, ये आपके बालों को नरिशमेंट नहीं देते, ये आपके बालों के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स करते हैं। ये मात्र हेयर क्लेंजर्स होते हैं, इसीलिए आपको शैम्पू को सिर्फ हेयर क्लेंजर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आज जिस शैम्पू के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, मतलब कि मैं बहुत सारे शैम्पूज चेंज करती रहती हूँ, बट दिस वन इज अ कॉन्स्टेंट इन माई होम सिंस आई वॉज इन कॉलेज लाइक many years back. So, तब से लेके अब तक I'm very very positive about these products. That is Khadi Naturals Amla and Bhringraj Shampoo. This is one of my constants. I'm very comfortable about this particular product. और ये काफी ज्यादा innovatively, you know, अपने आप को इन्होंने expand किया है. Initially, it was just, you know, a small black bottle which was available and Satrita and Amla Bhringraj was something that was available. फिर धीरे धीरे इसने innovate किया. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि खादी नेचुरल्स के इतने सारे पैकेजिंग अवेलेबल हैं दैट वी गेट कन्फ्यूज कौन सा वाला सही है। देखिए सभी के सभी पैकेजिंग परफेक्टली ऑल राइट है। खादी नेचुरल इज जस्ट यू नो दैट येलो कलर का लोगो जो आपको दिखता है। ऑल द कंपनीज दैट हैव द सेटअप एंड हैव द इक्विपमेंट्स टू मेक शैम्पूज ये खादी नेचुरल्स को अप्रोच करते हैं एंड लाइसेंस लेते हैं टू मेक शैम्पूज अंडर देयर लेबल। इसीलिए आपको बहुत सारे खादी वेरियंट्स दिखते हैं, खादी नेचुरल्स है, खादी मोरी है एंड यू नो बहुत सारे हैं, खादी ग्लोबल है, बहुत सारे हैं, तो सभी एब्सोल्युटली वैलिड हैं। हाउएवर खादी ने एक नया यू नो प्रोविजन निकाला है दैट इज द क्यूआर कोड जो आपको हर प्रोडक्ट पे मिलेगा। इस क्यूआर कोड को अगर आप अपने कैमरा से स्कैन करते हैं तो ये आपको सीधा डायरेक्ट करता है खादी नेचुरल्स की वेबसाइट पर, जहां पर आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी मिलता है एंड ऑल्सो आपको बाकी वेरिएंट्स, बाकी जो ऑप्शंस हैं उस साइट पर वो भी मिलते हैं। दिस पर्टिकुलर शैम्पू इज 210 ml फॉर ₹160। हाउएवर जब आप इसको साइट से लेते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है टाइम्स व्हेन यू अप्रोच इट। ऑल्सो एवरी पॉसिबल वेबसाइट लाइक Amazon, Flipkart, नायका, यहां पर भी आपको ये शैम्पू इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो अवेलेबिलिटी इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि इसमें SLS है, इसमें पैराबेंस है, इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, वी शुड नॉट यूज इट। देखिए लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर शैम्पू ने बहुत इवॉल्व किया है, मतलब बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। इनिशियली जो इसका पैकेजिंग था इसमें लिखा था कि इसमें SLS है, पैराबेंस है एंड और भी काफी सारे CBPA समथिंग केमिकल्स आर अवेलेबल, तो इसीलिए इसके जो यूजेज है वो काफी ज्यादा यू नो डाउट में आ गया। एवरीबडी गॉट स्केप्टिकल अबाउट दिस प्रोडक्ट। हाउएवर आप इसका जो लेटेस्ट अभी जो शैम्पू आया है आमला एंड भृंगराज, उसमें कोई SLS नहीं है, कोई पैराबेन नहीं है एंड आप उसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट ऐड हुआ है दैट इज हेरड, अगर आपने सुना होगा तो वो उसमें एड ऑन हुआ है एंड इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर योर हेयर। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने काफी इवॉल्व किया है। जिन लोगों के पास वो प्रोडक्ट जा रहे हैं जिसमें SLS है, पैराबेन है, ये ओल्ड स्टॉक है, इसीलिए मैं अपडेट करना चाहती हूँ कि खादी नेचुरल्स ने अपना ये पर्टिकुलर
आमलन भृंगराज शैम्पू काफी ज्यादा अपडेट कर दिया है, इसमें SLS नहीं है, पैराबेंस नहीं है, काफी सेफ है आपके बालों के लिए। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, आई हैव स्टडीड ईच वन ऑफ देम एंड दे आर एब्सोल्युटली सेफ टू बी यूज्ड ऑन योर स्कैल्प। ये सारे के सारे चीजें जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आपकी स्किन पर यू नो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए टू स्टे ऑन योर स्किन अप्रूव्ड है, यानी कि जब स्किन पर रहने के लिए अप्रूव्ड है तो जस्ट वॉशिंग ऑफ योर स्कैल्प एंड हेयर उसके लिए ये एब्सोल्युटली कोई हार्म आपको नहीं कर सकती। हाउएवर इसमें लिखा है कि ये यू नो स्किन ऑल स्किन टाइप्स के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई स्किन इशू है, अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपको कुछ सिवियर परेशानी है रिलेटेड टू योर स्कैल्प एंड स्किन, आई वुड से ऑलवेज टेक अ पैच टेस्ट, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट बट फॉर एनी प्रोडक्ट दैट यू यूज फॉर योर सेल्फ। इसीलिए जब आप इसका पैच टेस्ट लेते हैं सो यू वुड गेट टू नो दैट वेदर और नॉट इट इज सूटिंग यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके बाल इसको यूज करके ड्राई हो जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल अगेन। देखिए इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके बालों को यू नो एकदम से वो बाउंस दे दे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इनिशियली यू माइट फील दैट, बट ग्रेजुअली जब आप हर्बल शैम्पूज में आते हैं तो वो बाउंस नहीं दिखता है आपको आपके बालों में। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज कि आप अपना जो भी नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हैं आप उसको यूज करते रहिए, बट प्लीज ब्रिंग इट इन बिटवीन ऑल द टाइम, क्योंकि जो भी केमिकल शैम्पू आप यूज कर रहे हैं उसका जो बिल्डअप आपके बालों में हुआ है वो ये शैम्पू कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, आपके बालों को न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ, अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेट्स से आपने यू नो 4-5 बॉटल्स लगातार इस्तेमाल कर लिया, तो आपको आपके बाल डेफिनेटली ड्राई महसूस होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसीलिए मेक अ गुड ब्लेंड ऑफ केमिकल बेस्ड शैम्पूज एंड हर्बल शैम्पूज फॉर योर सेल्फ। मैं हमेशा आपको यही समझाती हूँ कि आप हमेशा अपने बालों के लिए यू नो ब्लेंड बनाइए केमिकल बेस्ड शैम्पूज एंड हर्बल शैम्पूज का। सो दिस पर्टिकुलर शैम्पू इज समथिंग दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट, that you can absolutely try for yourself. Teenagers can use it, क्योंकि you know हमारे घर पे बहुत सारे age groups हैं and everybody is like absolutely comfortable for this particular you know variant of shampoo. तो आप इसको अपने लिए बिल्कुल try कीजिए, I am very positive about it. And as a conclusion of this video, I would approve of this product कि आप इसको आराम से, इत्मीनान से, बिना किसी doubt के खुशी खुशी इस्तेमाल कर सकते हैं and you can make the most out of this particular वेरियंट ऑफ शैम्पू। तो आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने सजेशंस एंड बहुत सारा जो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू द कंटेंट वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई वुड लव एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर आप ऐसा करें। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। टेक केयर। Oops, this is the end of the video. What was it that I wanted to share? देखिए मैं अपने चैनल पर कल आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा 2-step प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ आपके ग्रे हेयर को कवर करके काला या डार्कर शेड तक ले जाने के लिए। एंड उसके लिए आज आपको एक प्रिपरेशन करनी है एंड what would that be? आज आपको जिस हिना के लिए आप कंफर्टेबल हैं उससे आपके बालों की लेंथ के हिसाब से भिगाना है। किस चीज से भिगाना है? आपको कॉफी पाउडर एंड आंवला पाउडर, अगर सूखे हुए आंवला है तो आप वो भी ले सकते हैं, इन दोनों का एक डिकॉक्शन प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद उसे ठंडा करना है और इस ठंडे डिकॉक्शन से आपको हिना को अच्छे से भिगाना है। अच्छे से हिना को भिगा के ढककर ओवरनाइट के लिए रहने दीजिए और कल मिलेंगे फॉर step 1 एंड step 2। दोनों ही प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स हैव सम फन एंड डू नॉट फॉरगेट कि हिना को अच्छे से भिगाइए। तो कल मिलते हैं।